अखियां खोला हे प्रभु जी, अखियां खोलो और हम को पिलाई दे ठंडो नीर। महाराज महात्मा नेत्र बंद करके भजन कर रहे थे और भजन अगर करो, कुछ लोग हमने देखे माला जप रहे बोले राम 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 मैसी अडली बांधनी और फिर शुरू, तो ऐसा भजन आनंद ना दे तो है। भजन जो है ना तीन प्रकार का होता है। बचपन में जो भजन किया जाता है वो अमृत के समान लगता है और जो जवानी में भजन होता है वो दूध और घी के समान लगता है और जो बुढ़ापे पे भजन होता है वो पानी के समान लगता है। भजन तो बचपन से ही होना चाहिए क्योंकि मीरा जो है ना, मीरा कोई शादी के बाद पुजारी नहीं हुई। जब ये 5 वर्ष की थी तो इसके गांव में श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ हुआ, तो पंडित जी जो कथा बोल रहे थे उन्होंने आरती से पहले हाथ उठाया, बोले किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। सबने मना कर दिया, नहीं महाराज किसी को कुछ नहीं पूछना, आप आरती कीजिए। आरती हुई, मीरा ये सब कुछ सुन रही थी, तो आरती के बाद जैसे ही पंडित जी नीचे उतरे पीछे से किसी ने कुर्ता खींचा, पंडित जी ने पीछे देखा है लाड़ो, बोला ब्राह्मण देवता, बोले कुछ चाहिए? अब 5 वर्ष के बेटा या बेटियों से क्या चाहिए? चॉकलेट, बिस्किट, टॉफी, बोले टॉफी चाहिए? बोले नहीं। बिस्किट चाहिए? बोले नहीं। बोले प्रसाद चाहिए? बोले नहीं। अरे पंडित जी बोले मेरी माँ पर क्या चाहिए? मीरा बोली ब्राह्मण देवता आपने ही तो कहा था कि जिसे जो पूछना हो वो पूछ ले,
तो मुझे ये बता दीजिए जिसकी आप कथा कह रहे थे वो मिलता कहाँ है? जिसकी आप कथा कह रहे थे वो मिलता कहाँ है? पंडित जी बोले, अरे लाड़ो, उसे ढूंढने में वक्त नहीं लगता। अगर सच्चे दिल से बुलाएगी तो जरूर आएगा, क्योंकि एक बार अगर कारी कमरिया को रघु जब चढ़ गयो फिर वो उतरवे वालो नहीं। भगवान के नाम का नशा अगर एक बार हो जाए आदमी को, क्योंकि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। कृष्ण के नाम का जाम पी कर तो देख जिंदगी में कभी ना उतर पाएगी। एक संत कहते हैं कि हमारे